गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं वेश सर। आज हम लोग बात करते हैं हाइड्रोलिक्स की। जैसे हम लोग कल चैप्टर में पढ़ा लिया था थोड़ा सा, तो आज उसके आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। कल हाइड्रोलिक्स में हमने हाइड्रोलिक्स डिफिनीशन, उसकी प्रॉपर्टीज, ये सब चीज़ पढ़ी। आज हम दूसरा पढ़ते हैं, आज हम पढ़ते हैं क्या होता है। तो पहला है हाइड्रोलिक्स, सब्जेक्ट का नाम क्या है? हाइड्रोलिक्स। हाइड्रोलिक्स सब्जेक्ट का नाम है आपका हाइड्रोलिक्स। हाइड्रोलिक्स, तो आज जो हम लोग हाइड्रोलिक्स के बारे में पढ़ेंगे, हाइड्रोलिक्स क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे। इसके कहते हैं द्रव, द्रव यांत्रिकी, यांत्रिकी या द्रव इंजीनियरिंग, द्रव इंजीनियरिंग या द्रव यांत्रिकी। ठीक, तो इसमें आज का टॉपिक है हमारा, टॉपिक आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, आज का जो टॉपिक है प्रेशर। प्रेशर, प्रेशर को हिंदी में कहते हैं दाब। क्या कहते हैं? दाब। प्रेशर को हिंदी में क्या कहते हैं? दाब। अब दाब क्या होता है? जैसे एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो दाब का, अब यहाँ से इसके फार्मूला क्या हो गया, तो इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पी इक्वल टू हो गया यफ अपान ए। पी इक्वल टू क्या हो गया? यफ अपान ए। तो यफ क्या है? वेयर, वेयर यफ इक्वल टू फोर्स। यफ क्या है? फोर्स है। ए क्या है? एरिया है। ए क्या है आपका? एरिया है। तो यफ इक्वल टू फोर्स हो गया, इक्वल टू एरिया हो गया। तो यहाँ से इसका यूनिट हो गया, यूनिट हो गया, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ जो फोर्स या जो दाब होता है, प्रेशर होता है, वही यहाँ पर स्ट्रेस होता है। जो हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में, तो उसमें वही प्रेशर क्या होता है? स्ट्रेंथ होता है। अब यहाँ से आपको समझ में आ गया, पी इक्वल टू हो गया फोर्स अपान एरिया, वेयर यफ इक्वल टू फोर्स है, ए इक्वल टू एरिया है। तो यफ की यूनिट होती है न्यूटन, ए की होती है मीटर, मीटर स्क्वायर। तो यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक आपका हमारा आपको हो जाएगा, वो नेक्स्ट टॉपिक आपका है घनत्व, डेंसिटी। डेंसिटी को हिंदी में कहते हैं घनत्व। इसको डेंसिटी घनत्व कहते हैं। घनत्व क्या होता है? जैसे घनत्व हर एक द्रव का अलग अलग होता है, तो द्रव का अलग अलग होता है, तो घनत्व अलग अलग निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे कि इसमें हम बात कर लेते हैं घनत्व। घनत्व में जैसे क्या होता है, इसका फॉर्मूला आता है, फिर इसकी डेंसिटी क्या होती है, जहाँ हर जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड पदार्थ, उसकी अलग अलग होती है। जैसे घनत्व होता है मास, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो गया आपका? हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे आयतन। फार्मूला यहाँ से निकल के आ गया, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान बटे आयतन इंग्लिश में क्या हो जाएगा इसका? इसका इसको यम से रिप्रेजेंट करते हैं, यम अपान वी, यम अपान बी। अब इसका मात्रक आता है यूनिट। यूनिट क्या होती है? अब यम का हो गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब,
मात्रक हो गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उसके आगे हम लोग बात करते हैं घनत्व हो गया द्रव्यमान इक्वल टू घनत्व हो गया। अब इसकी यूनिट हमने बात कर लिया यूनिट यूनिट इंग्लिश हिंदी में कहते हैं मात्रक 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 होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या इसको और लिख सकते हैं आर किलोग्राम मीटर माइनस थ्री। कभी कभी इसकी पूछ लेता है डायमेंशनल क्वांटिटी बीमा बीमा पूछ लेता है। जब बीमा पूछ लेता है तो बीमा अब इसी फार्मूले से हम बीमा निकाल लेंगे। तो किलोग्राम क्या होता है यम, और ये वॉल्यूम होता है तो यल क्यूब। तो अभी हो गया यम यल माइनस थ्री, ये क्या हो गया इसका मात्रक हो गया बीमा हो गया। ठीक, अब हम लोगों ने दो टॉपिक पढ़ा, पहला पढ़ा प्रेशर उसके बाद घनत्व। अब हम लोग बात करते हैं इसमें पास्कल ला, इसके बारे में बात करेंगे पास्कल ला। पास्कल ला क्या होता है इसके बारे में हम लोग आज थोड़ा सा देखेंगे, इसका यूज क्या है, इसका उपयोग क्यों किया गया। तो जैसे पास्कल ला क्या है इसके बारे में हम पहले हेडिंग डालते हैं पास्कल्स ला, कहते हैं पास्कल का नियम। पास्कल का नियम पास्कल का नियम इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।